जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में और साथ ही मुलाकात करवाएंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। मुर्गी पालन में है रोजगार के बेहतर अवसर। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा, प्राकृतिक खेती से ही खेत हरा स्वस्थ धरा। स्वरोजगार के लिए दक्षता प्रशिक्षण को मिले प्रोत्साहन। सुपर फूड का विश्लेषण करा रहा है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। और किसान भाई जीरे में करें छाछ रोग का प्रबंधन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि मुर्गी पालन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है और साथ ही पोषण स्तर को भी सुधारा जा सकता है। जयपुर के खातीपुरा स्थित राजकीय कुक्कुटशाला के द्वारा मुर्गी पालन प्रबंधन विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में इंटर्न पशु चिकित्सक और किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुक्कुटशाला के उप निदेशक डॉ. लोकेश कुमार शर्मा ने मुर्गी पालन को कम लागत वाला व्यवसाय बताया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को मुर्गी पालन से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहीं पोषण स्तर में भी सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह कुक्कुटशाला राज्य का एकमात्र राजकीय चूजा उत्पादन केंद्र है। प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को काफी कम दर पर 90 से 100 चूजे व्यवसाय शुरू करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को उप निदेशक डॉ. रविंद्र मलिक ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को मुर्गी पालन में आने वाली समस्याएं, आवास, आहार और रोग प्रबंधन, अंडों की मार्केटिंग और भंडारण, चूजा पालन से जुड़ी सावधानी सहित दूसरे विषयों पर जानकारी दी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि प्राकृतिक खेती से ही स्वस्थ धरा खेत हरा के साथ साथ स्वस्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना संभव है। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के द्वारा रेडियो किसान दिवस के मौके पर प्राकृतिक खेती पर किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. टी.सी. वर्मा ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति में उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। यह जहर मुक्त अवधारणा के साथ साथ टिकाऊ खेती को बल देती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से ही खेत को हरा और धरा को स्वस्थ रखा जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को मानपुरा के प्रगतिशील किसान पद्म श्री हुकुमचंद पाटीदार ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मृदा में कार्बन का स्तर घट रहा है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होने लगा है। ऐसे में मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की पहल किसानों को करने की जरूरत है। इसके लिए जैविक और प्राकृतिक खेती किसानों को अपनानी चाहिए। कार्यक्रम में इफको के मुख्य प्रबंधक सोहनलाल जैन ने नैनो यूरिया उपयोग, डीडीएम नाबार्ड ने बैंक योजनाओं, सहायक निदेशक आर.के. वर्मा ने कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में डॉ. सेवाराम रूंडला ने बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, मल्चिंग, वापसा, गोमूत्र, निमास्त्र, वानस्पतिक काढ़ा, हरे खाद आदि के अनुप्रयोग के बारे में बताया। वहीं आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रभारी खेमचंद मीणा ने रेडियो किसान दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 84 किसानों ने भाग लिया। केवीके रासमन के द्वारा जनजाति उपयोजना के तहत 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को प्रसंस्कृत उत्पादों के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के समापन सत्र को राजसमंद जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं कृषि और पशुपालन कार्य से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में महिलाओं के पास नगद आय का कोई जरिया नहीं होता। यदि महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और प्रसंस्कृत उत्पाद का प्रशिक्षण दिया जाए तो निश्चित ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये मील का पत्थर जैसा होगा।
उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र पर दक्षता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में समाज सेवी माधवलाल ने कहा कि हाथ का हुनर आजीवन काम आता है। दक्षता आधारित ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं के कौशल में वृद्धि होती है, वहीं उन्हें आजीविका अर्जन की नई राह मिलती है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पी सी रैगर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को विभिन्न वस्त्रों की सिलाई कढ़ाई के साथ साथ कृषि उत्पाद से प्रसंस्कृत उत्पाद की सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में 25 महिलाओं ने भाग लिया। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी आर चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय सुपर फूड फसलों के पोषक गुणों का लैब में विश्लेषण करवा रहा है ताकि इन प्रसंस्कृत उत्पादों को निर्यात योग्य बनाया जा सके। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में रामदाना, चिया और किनोवा की खेती पर रिसर्च किया जा रहा है। सुपर फूड में शामिल इन फसलों से प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने के लिए नागौर महाविद्यालय में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी आर चौधरी ने बताया कि यह फसलें किसानों के लिए काफी लाभकारी हैं। पोषण के मामले में भी इन फसलों का कोई मुकाबला नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन फसलों के प्रसंस्कृत उत्पादों की अच्छी मांग बनी हुई है। इस मांग को पहचानते हुए विश्वविद्यालय रामदाना, चिया और किनोवा के अनुसंधान पर जोर दे रहा है। अखिल भारतीय समन्वित क्षमतावान फसल विकास शोध परियोजना के तहत रिसर्च कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि नागौर कृषि महाविद्यालय के द्वारा इन फसलों से बिस्किट, नान खटाई, कुकीज, कुरकुरे जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वहीं किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। फसल विकास शोध परियोजना के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर हनुमान लाल के नेतृत्व में आए मॉनिटरिंग टीम के सदस्य डॉक्टर विजय सिंह मीणा, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, संजय मालपानी ने भी विश्वविद्यालय में पहुंचकर रिसर्च कार्यों की जानकारी ली। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में सौर ऊर्जा को लेकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना से हमारे किसान भाई कैसे जुड़े, कैसे अच्छा लाभ ले सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दूली चंद पलसानिया, उप निदेशक उद्यान विभाग रारी दुर्गापुरा जयपुर से। किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज आपको जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सोलर जो किसानों को पंप उपलब्ध कराए जाते हैं उनकी है जो बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किसानों को बिजली की कमी के कारण एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोलर पंप किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए जो किसानों को इसमें कोई वो नहीं है कि जो किसानों को इसमें जो पूरा बिजली की जो कमी है उसका जिन जिलों में बहुत ही कमी है वहाँ जो इनका किसानों को लाभ मिलेगा। किसान है जो इसके लिए जो सोलर के लिए जो राज किसान पोर्टल है उस पर अपना जो आवेदन करेगा और जिन किसानों के पास जैसे जो साधन है सिंचाई का जैसे ट्यूबवेल है या फार्म पोंड है उसका है जो प्रमाण पत्र उनको है जो देना होगा, साथ ही उनके जमाबंदी की नकल और इसके जो कसरा गिरदावरी जो भी हैं वो इनको उपलब्ध करानी पड़ेगी। हाँ, पात्रता इनकी है जो जैसे जो किसान जिनके पास है जो बिजली का कनेक्शन नहीं है वही है जो किसान आवेदन कर सकता है। दूसरी बात जिसके पास जैसे अलग अलग HP जैसे 3 HP का कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए जो किसान को 0.4 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, 5 HP के लिए जो उसको आधे एकड़ की आवश्यकता है और 7.5 के लिए 1 एकड़ की आवश्यकता है और 1 एकड़ से ज़्यादा है तो उसको जो 10 HP के लिए उसको जो 1.5 एकड़ की आवश्यकता है
राज्य किसान साथी पोर्टल पे है जो इसकी है जो ऑनलाइन है जो आवेदन किसान को करना पड़ेगा, जिसमें जो उसको सबसे पहले जमाबंदी का नकल, उसके जो दूसरा उसके पास सिंचाई का स्रोत मतलब प्रमाण पत्र उसका कि ट्यूबवेल है या जो फार्म पोंड है, तो ये बेसिक है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आवेदन के लिए ऑनलाइन है जो लक्ष्य होते हैं उनके अनुसार है जो मतलब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान है जो जैसे जो इकाई लागत है उसका जो 60% और SC ST के लिए 45,000 रुपये अतिरिक्त है जो अनुदान दे है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत है जो जो फल बगीचों की स्थापना है उस पर है जो अनुदान दिया जाता है। जैसे नवीन बगीचे हैं दूसरे मतलब इसके बाद है जो मेंटेनेंस के लिए दूसरे मतलब प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष इस तरह से जो 3 वर्ष तक है जो बगीचे पौधों की जो रहते हैं बगीचे पौधे में जितने पौधे रहते हैं उनके अनुसार अनुदान दिया जाता है। इसमें जो 3 वर्ष में जो अनुदान दिया जाता है तो प्रथम वर्ष 60% और फिर 20% फिर 20%। संरक्षित खेती में आपके जो ग्रीन हाउस पर अनुदान दिया जाता है, लो टनल और प्लास्टिक मल्च पर अनुदान दिया जाता है। उद्यान विभाग की जो मैं मुख्य जो योजना है ना वो एक तो है जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, दूसरा बगीचों की स्थापना है, तीसरा है जो ये संरक्षित खेती है, तो इन पे है जो उद्यान विभाग के द्वारा इन मुख्य रूप से इन योजनाओं में कार्य किया जाए। वर्मी कंपोस्ट का भी है जो उद्यान विभाग से अनुदान दे है। सोलर योजना के लिए किसानों से निवेदन है कि वो संबंधित है जो कृषि पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी इनसे जो संपर्क करके और किसान साथी पोर्टल पर अपना जो आवेदन करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है।
प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौंठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं।
क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। अभी आपने जानकारी ली प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस योजना से जुड़कर जरूर लाभ प्राप्त करेंगे। आपको आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।